वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। आइए स्टार्ट करें। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? देखिए, आपको ये नहीं पता होगा कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होगा कि ब्लीचिंग एक चीज़ होती है जिससे हम लोग पार्लर में जब जाते हैं तो अपने बालों में कलर चेंज करवा लेते हैं। ये तो जनरली सबको पता होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर है क्या चीज़? तो बिल्कुल कुछ उसी से मैच करता हुआ है भाई, जो आपके बालों को ब्लीच कर सकता है, इनकी उसका कलर चेंज कर सकता है। एक्चुअली ब्लीच करता क्या है, वो कलर का, आपके बालों का कलर नहीं चेंज करता है, वो आपके बालों के कलर को फेड कर देता है, जिससे उसके ऊपर आप कोई और कलर चढ़ा सकते हो। तो बिल्कुल वही ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर भी करता है। यहाँ पर ये क्या करता है कि जो कोई क्लोथ है उसका कलर डल बना देता है, ताकि आप अगर उसमें कोई दूसरा कलर डालना चाहें तो आप कलर डाल सकते हैं। और इसके अलावा भी इसका बहुत सारा काम होता है, लेकिन चलिए, हमारा क्योंकि केमिस्ट्री का ब्लीचिंग पाउडर पढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। यह है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है, ये बनता कैसे है? भाई क्लोराइड यानी Cl इसमें ऐड है, तो इसका मतलब क्लोरीन तो ज़रूर डेफिनेटली ऐड होगा ही होगा। और आपने कभी देखा हो कि ये CaO क्या है? भैया CaO जो है ये आपका चूने से रिलेटेड कुछ कर लग रहा है ना। तो अगर हम चूने में क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है? वो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, पता है ना? हमने क्या किया, चूने में पानी मिला दिया तो CaOH का होल ट्वाइस बन गया। अब क्योंकि हमको क्लोरीन भी इसमें डालना है, इसलिए हमने क्लोरीन भी ऐड कर दी। तो इनको ऐड करने से हमारा यहाँ पर क्या बन गया, CaOCl2। और क्या बनेगा, और वाटर, इसमें से एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, CaOCl2, क्योंकि O भी 2 है, H भी 2 है, तो एक O इसके साथ रहेगा और H2O जो है ये यहाँ पे अलग हो जाएगा। देखिए, रिएक्शंस को रटिएगा मत कभी भी, रिएक्शन को समझना बहुत आसान होता है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए। देखिए कितने आसानी से हमने पढ़ा, ये फॉर्मूले से पढ़ लिया। कैसे पढ़ा कि भाई इसमें चूना है, चूने में हमने पानी मिलाया तो CaOH का होल ट्वाइस हो गया, प्लस इसमें क्लोरीन ऐड कर दिया, फिर रिएक्शन के यहाँ पर इस साइड पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और CaOCl2 बन जाएगा, जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब क्वेश्चन ये कि भैया ये ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो पहली चीज़ जो है, इससे ये एक जो है वाइट कलर का पाउडर होता है, जिसकी पहचान होती है कि भाई उसमें से क्लोरीन की स्मेल आती है। ठीक है, तो ये जो होता है ये आराम से सोल्यूबल हो जाता है पानी में, ठंडा गर्म हर पानी में ये सोल्यूबल होता है। तो ये करता क्या है, पहली चीज़ कि ये आपके कॉटन या फिर जो फैब्रिक्स होते हैं, कपड़े वगैरह, इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ किया जाता है स्पेशली ब्लीच करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो लॉन्ड्री वॉन्ड्री में कपड़े धुलने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर भी ब्लीचिंग पाउडर का कुछ हद तक यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और इसका हम देखें फ़ायदा, तो आप देखो पानी में से क्लोरीन की कभी कभी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, तो एक्चुअली पानी में भी ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है कि पानी में डालने पर उसको डिसइन्फेक्ट कर देता है, उसके अंदर जो कीड़े वीड़े होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उनको ख़त्म कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करने से जो ऊन होता है ना, हम लोग जब अभी देखो सर्दियाँ आएंगी तो बढ़िया बढ़िया सी स्वेटर पहनेंगे, तो वो स्वेटर को अगर हम ब्लीचिंग पाउडर से धोते हैं तो वो अनश्रिंकेबल बन जाता है, यानी कि उसकी जो ऊन सिकुड़ता है ना, वो चीज़ नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो इसको ऐसे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप लोग बालों वालों में बहुत ज़्यादा ब्लीच करवाते हो ना, तो आप थोड़ा सा इसे अवॉइड करो। ठीक है, ओकेशनली अगर आप करना चाहते हैं, अदरवाइज इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी करता है। इवन आपने देखा होगा कुछ कपड़ों के पीछे जो टैग लगा होता है, उसमें क्या लिखा होता है, डू नॉट ब्लीच, आपको ब्लीच यूज़ नहीं करना है। क्यों? अगर आप ब्लीच यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट भी ज़रूर डालेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ब्लीचिंग पाउडर की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और किस तरीके से इसे बनाया जाता है। टिल देन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।